गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो होती है वो आपके ग्राफ के क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आती है। जैसे कि बात करें अपन साइन थीटा, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों में नेगेटिव होता है। ठीक है, बात करें अपन की कॉस थीटा, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, लेकिन इनमें नेगेटिव होता है। तो वैल्यू जैसे आपको बोला कि कॉस 60 डिग्री की पॉजिटिव होती है लेकिन कॉस 120 डिग्री की नेगेटिव होती है, तो ऐसे क्यों होता है और वैल्यू क्या होती है, वैल्यू क्या होती है वो तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर पहले अपन पढ़ते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे आपके पास एक ग्राफ होता है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये सब चीज आप लोग 8, 9, 10 से पढ़ते हुए आ रहे, तो ये चीज आपको पता है। अब बात करते हैं कि इस पे एंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ये तो होता है 0 डिग्री का, ठीक है, ये होता है 90 डिग्री। अब दिख ही रहा है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। फिर ऐसे जब घूम के आ जाता हूं तो दिमाग में आ गया ये एंगल होता है आपके पास 180 डिग्री का, और फिर ये पूरा एंगल होता है आपके पास 270 डिग्री का, और फिर से बचा हुआ पूरा घूम गया तो कितना आ गया ये 360 डिग्री। ऐसे फिर 90 ऐड कर दीजिए, फिर 90 ऐड कर दीजिए, 90 ऐड कर दीजिए, 90 ऐड कर दीजिए, ऐसे करते रहिए तो आपके जितनी बार आप राउंड लगाएंगे उतने एंगल्स इसमें आ जाएंगे। तो ये तो हो गया अपने एंगल्स कौन कौन से होते हैं, 0, 90, 180, 270, 360। अब इन्हीं को आप रेडियन में लिखिए, देखिए कैसे है। 0, 0 तो 0 रहेगा रेडियन में भी, जब कुछ है तो 0, 0 रहेगा। ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री को मैं पाई बाय 2 में डील करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे अब एंगल रेडियन में ही रखने हैं। फिर ये आया 180, तो 180 में डिग्री पाई हो, पाई रेडियन होता ही है। 270 में 3/2 होता है, फिर गया 360 डिग्री, और 360 में कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। तो ये तो हो गए आपके एंगल्स, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जो एंगल्स होते हैं वो पॉजिटिव, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैंने इस क्वाड्रेंट में एक यूनिटी सर्कल बनाया। यूनिटी सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 हो, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यूनिटी सर्कल की डेफिनेशन, कि यूनिटी सर्कल इज अ सर्कल इन विच रेडियस इज 1 यूनिट। यूनिट का मतलब मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है, बस 1 है आपके पास। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसकी यूनिट, इसकी रेडियस आपके पास 1 है, ठीक है। तो देखिए, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो जब ये रेडियस, और इसका सेंटर आपके पास क्या होता है, ओरिजिन होता है, तो ये ओरिजिन का सेंटर है 0, 0 आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। फिर अपन चलते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे आपके पास, 1, 0, ठीक है, क्योंकि एक्स क्या है इसमें 1 और वाई पॉजिटिव 0 हो ही जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। ऐसे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जब ये आपके पास रेडियस 1 है तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 1। ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अब ये माइनस में आ गया तो -1, y तो 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, -1, क्योंकि x 0 होगा उस पे और y कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। यहां तक शायद सबके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं दोबारा बनाता हूं इसको, कि ये अपना नॉर्मल जो मैंने आपको समझा दिया वो चीज आपके पास ये है कि भैया मैंने यहां तक आप लोगों को समझा दिया है। अब मैंने इस सर्कल के ऊपर इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लिया a, b, ठीक है, पॉजिटिव रहेंगे दोनों। इसको मैंने मिलाया तो ये भी तो रेडियस ही होगी एक तरह की, तो ये आपके पास 1 हो जाएगी। और मैंने इसको यहां पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो ये आपके पास मान लो b पॉइंट आया यहां पे। कौन सा पॉइंट आया, b पॉइंट आया। तो मुझे बताइए कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, क्या ये डिस्टेंस a के इक्वल होगी क्या। जैसे मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, तो मेरे पास यहां पे आता है 5, तो मैं क्या करता हूं, यहां से यहां जाता हूं, मान लो कोई पॉइंट है, तो ये आता है 5, y, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होती है, जो x की अपने पास डिस्टेंस होती है, तो ये तो हो जाएगी आपके पास स्मॉल a, और ये जो हो जाएगी ये वाली, ये क्या हो जाएगी आपके पास b, वही सिमिलरली जो y का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये आपके पास a आ गया, ये आपके पास b आ गया, ठीक। अब अपन बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए, ये चीज याद होगी सबको, ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ कर लीजिए, वरना अब जो स्टार्ट हो रहा है मैं बार बार रफ करता जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात करता हूं,
फॉर 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, 0 टू पाई बाय 2, 0 से लेके पाई बाय 2। मान लीजिए ये जो एंगल बन रहा है ये आपके पास x या थीटा रेडियन है, ठीक है, रेडियन में डील कर रहे हैं पर, तो ये एंगल क्या है, थीटा रेडियन किसके साथ, ये तो 90 है ही अपने पास, तो ये आपके पास थीटा रेडियन हो गया, तो ये आपके पास ए क्या हो गया, यहां पे बेस हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दिख ही रहा है, और वन क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले बात करें अपन साइन थीटा की, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपके पास बी, हाइपोटेनियस आपके पास वन, यानी कि बी यानी कि पॉजिटिव, तो साइन क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ऐसे कॉस की बात करें, देख लीजिए मैं साइन क्यों पॉजिटिव है आपको बता दिया। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आपके पास ए, हाइपोटेनियस है वन, यानी कि ए, ये भी कितना हो गया आपके पास, पॉजिटिव हो गया, देखिए पॉजिटिव आया कि नहीं है। ऐसे ही टेन निकालूंगा तो टेन क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करूंगा, क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ऐसे कॉट, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा, पर है तो आई वैल्यू पॉजिटिव में, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, पॉजिटिव बन जाएगी। ऐसे ही आपके पास साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है आपके पास, साइन का उल्टा होता है, साइन आ रहा है पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, जैसे आपके पास साइन की वैल्यू बी आ रही है तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, वन अपॉन बी, पर है तो अपने पास पॉजिटिव ही, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे अभी किससे मतलब है कि ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो रही है। और बची लास्ट में क्या, सेक थीटा, तो वो किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस वन अपॉन ए, ये भी कितनी जाएगी आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां से यहां तक के लिए, ठीक है, पाई बाय टू से पाई के लिए, तो देखिए इसको रफ कर रहा हूं मैं, पाई बाय टू से पाई के लिए, तो ये आपके पास मान लीजिए यहां पे कोई, ये वन है, यहां पे कोई पॉइंट है ए, अब ए तो मत मान ये, चलिए अब इसको रफ कर देता हूं, तो ए ही मान लेता हूं, कोई मतलब ही नहीं है पॉइंट का मेरा, तो मैंने यहां पे भी कोई पॉइंट मान लिया ए, लेकिन अब इसमें x नेगेटिव हो जाता है माइनस ए कॉमा बी, ठीक है, तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये चीज तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, माइनस ए, और ये चीज कितनी हो जाएगी, बी, और एंगल वही मान लीजिए ये कितना बन रहा है आपके पास, थीटा बन रहा है, ठीक है, थीटा रेडियन, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बी, सॉरी परपेंडिकुलर है बी अपॉन हाइपोटेनियस वन, पॉजिटिव साइन थीटा पॉजिटिव आ गया। कॉस की बात करें, कॉस वो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है पास, माइनस ए, माइनस ए अपॉन वन, ये आपके पास नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो आपके पास पता चल गया होगा कि इस वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो गया लेकिन कॉस नेगेटिव हो गया। टेन की बात कर, देखिए टेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा, तो टेन कितना आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव। ऐसे कॉट भी क्या आ जाएगा, कॉट इसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल कर दो, तो आंसर से थोड़ी फर्क पड़ेगा, इसके साइन पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, अगर मैं माइनस टू का रेसिप्रोकल करूंगा तो माइनस का वन अपॉन टू आएगा, बट साइन तो नेगेटिव ही रहेगा, तो कॉट थीटा भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली आप कॉट के बाद आता है कोसेक, तो कोसेक की बात करूं, जब साइन ही पॉजिटिव आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये कॉस भी नेगेटिव है, तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास पाई बाय टू से पाई के लिए। ऐसे ही मैं लेता हूं पाई से थ्री पाई बाय टू के लिए, ठीक है, तो देखिए पाई से थ्री पाई बाय टू के लिए वही, यहां पे भी कोई दूसरा वही पॉइंट ए, अब यहां पे दोनों माइनस के होंगे क्योंकि एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, ठीक है, मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला, तो ये तो हो गया आपके पास माइनस ए, ये हो गया आपके पास माइनस बी, और ये वन हो ही जाएगा आपके पास। तो लीजिए साइन थीटा,
क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर माइनस बी अपॉन वन यानी नेगेटिव, कॉस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस माइनस ए अपॉन वन क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, माइनस से माइनस कर जाएगा, टेन आ गया पॉजिटिव, ठीक है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, जब टेन ही पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, तो कॉस नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो भी आंसर माइनस में ही आएगा। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, तो साइन का भाई साइन भी आपके पास नेगेटिव है, साइन का उल्टा कर दो तो आपके पास मतलब रेसिप्रोकल कर दो तो आपके पास आंसर कोसेक का भी नेगेटिव ही बनेगा। तो ये तो हो गया आपके लिए थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ये केवल समझाने के लिए आपको बता कि आपके जो दिमाग में है ना कि सर हुआ कैसे, वो चीज निकल जाए। अब बता थ्री पाई बाय टू और टू पाई के बीच में, थ्री पाई बाय टू और टू पाई के बीच में, यहां पे मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ये पॉइंट दे दिया एक्स तो पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ठीक है, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये तो हो गया आपके पास ए, ये हो गया माइनस बी। ले लो आप लोग साइन ले लें, क्या दिक्कत है, साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर माइनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी ये हाइपोटेनस वन हो जाएगी, माइनस बी अपॉन वन, माइनस बी अपॉन वन यानी कि माइनस बी, नेगेटिव आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपके पास ए, ए अपॉन वन, ये आ गया आपके पास पॉजिटिव, ठीक है, ये आ गया आपके पास पॉजिटिव। अब cos साइन की टेन की बात करें तो होता है साइन अपॉन cos, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव में आंसर देगा ऐसे ही cot, ठीक है, तो टेन क्या आ गया आपके पास नेगेटिव आ गया, जब टेन नेगेटिव आ गया तो cot भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव आएगा और साइन पॉजिटिव नेगेटिव है तो cosec भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव की बात होती है कि सर अब ऐसे याद नहीं रहता, तो हम कैसे याद करें, देखिए एक लाइन याद रखिएगा, एड कॉफी, सॉरी एड शुगर टू कॉफी, ये लाइन याद है, या फिर आप ए एस टी सी याद रखिएगा, ए एस टी सी, ए एस इसका टी और इसका सी, इसमें क्या होते हैं, ये होता है फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हो जाएगा, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब क्या ऑल पॉजिटिव, ठीक है। फिर आता है एस, एस के क्या स्टार्ट होता है आपके पास, एस से साइन स्टार्ट होता है और साइन पॉजिटिव है तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये सब भी ये दोनों पॉजिटिव, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड नंबर क्या है, टी है, थर्ड वर्ड टी, तो टी से अब पता ही चल गया होगा टेन और कॉट पॉजिटिव, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी है आपके पास, सी का मतलब क्या होता है कॉस और उसका जस्ट रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों क्या होंगे आपके पास पॉजिटिव होंगे। तो मैं आपसे मतलब सोचता हूं कि आपको ये आज की क्लास बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है इस टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में अपन वैल्यूज फाइंड करना भी सीखेंगे इनकी, तो अभी के लिए थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।